दोस्तों आप सभी ने तो उत्तर प्रदेश स्टेट का नाम तो सुना ही होगा और इसी उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है द सिटी ऑफ ब्राइट गंजडनवारा। गंजडनवारा कासन डिस्ट्रिक्ट में लगता है। द सिटी ऑफ ब्राइट गंजडनवारा को 1870 के आसपास बसाया गया था। 2011 के हिसाब से माने तो इसकी पॉपुलेशन लगभग 45,385 है और लैंड एरिया लगभग 8 किलोमीटर। और अगर आज की बात करें तो 2.5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी बन चुका है। और बात करें इसके एलिवेशन की तो 166 m है, यानी कि विधानसभा 166 m है। और अगर इस शहर के मुख्य इलाकों की बात करें तो थाना रोड के नाम से जाने जाने वाला, जहां से एक रोड रेलवे स्टेशन से एटा तक होते हुए जाता है, और वहीं दूसरा रोड कानपुर फरुखाबाद लखनऊ तक जाता है, और वहीं तीसरे रोड की बात करें तो कासगंज साबर मथुरा तक होते हुए जाता है। और बात करें इसके खास रोड एटा जीटी रोड के बारे में, जिसे शेरशाह सूरी ने लाहौर तक बनवाया था, वो आज भी एटा जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। और गंजडनवारा की मुख्य जगह की बात करें तो 150 साल से जाने जाने वाली जमा मस्जिद पुलिया है। आगे जाने पर तिराहा, जिसे कसाई के नाम से जाना जाता है, और मार्केट में अंदर जाने पर चंद्रा क्लॉथ जैसी बड़ी दुकानों को लोग अच्छे से जानते हैं। और आगे जाने पर आता है राजा राम चौराहा, जो कैंटीन और छोले भटूरों के नाम से जाना जाता है। और बराबर की बात करें तो सुनारों वाली गली और पीली टंकी प्रसिद्ध है। और आगे जाने पर आती है सब्जी मंडी। और एंड ऑफ द गंजडनवारा, इसे डुनवारा के नाम से जाना जाता है, जहाँ से 3 रोड अलग अलग मार्ग पर गई हैं। 1 रोड कादरगंज, 2 रोड एटा और 3 रोड कानपुर लखनऊ जाती है। गंजडनवारा के बाजार या मार्केट की बात करें तो अभी फिलहाल लगने वाली मार्केट सप्ताह में एक बार लगती है, जिसे मंगल बाजार के नाम से जाना जाता है। और बात करें गंजडनवारा के मंदिर के बारे में तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर कन्या पाठशाला के पास है, जिसे राम मंदिर या हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है।
बात करें प्रसिद्ध मस्जिद के बारे में तो हमें देखने को मिलती है डुनवारा के नाम से जाने जाने वाली मस्जिद और दूसरी मस्जिद जामा मस्जिद पुलिया के नाम से मशहूर है। और बात करें गंज डुनवारा के आसपास बसे गांव के बारे में तो गंज डुनवारा के पास 7 गांव प्रसिद्ध हैं, जिसे पचपोखरा, खारपुरा, पदारतपुर, लहरा, अकबर नगर पालिया, अजीजपुर और मस्तीपुर के नाम से जाना जाता है। अब बात करें इसके वेदर टेम्परेचर की तो गर्मियों में इसका टेम्परेचर 57 डिग्री तक बढ़ जाता है और वहीं सर्दियों में इसका तापमान 3 डिग्री तक रह जाता है। आखिर में सबसे अहम है गंज डुनवारा का रेलवे स्टेशन। गंज डुनवारा का रेलवे स्टेशन का एरिया 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। गंज डुनवारा स्टेशन से कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर जैसे शहरों में ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों गंज डुनवारा की हिस्ट्री और प्रेजेंट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो।